तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्नो वाइट साबुन के बारे में, यानी कि साबुन को हमें कब कैसे और क्यों यूज नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि साबुन को हम किन किन प्रॉब्लमों में, यानी कि किन किन दिक्कतों में हम इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनके फेस पर दाने निकले हुए हो, तो वह इस साबुन को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों चेहरे पर अथवा त्वचा पर कैसे भी पुराने से पुराने निशान हो, तो आप इस साबुन को आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पर कील मुहाशे व मुहाशे के छोटे छोटे गड्ढे हो, आप इसमें भी इस साबुन को यूज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके चेहरे पर पिंपल हो या पिंपल के पुराने से पुराने निशान हो, तो आप इस साबुन को इसमें भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपने देखा होगा देर रात जागने से आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, जिनको हम डार्क सर्कल भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम में भी इस साबुन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ या झुर्रियाँ हो, तो आप इस साबुन को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आप तेज़ धूप में जाने से डरते हैं, जिससे कि तेज़ धूप के कारण त्वचा काली पड़ गई हो या सिकुड़ गई हो, तो दोस्तों आप इस साबुन को भी इस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला के पेट पर निशान हो जाते हैं, तो दोस्तों आप उसमें भी इसे यूज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग विधि, यानी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों इस साबुन को आपको चेहरे पर अथवा प्रभावित त्वचा पर सुबह शाम चेहरे को धोना है, यानी कि जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्किन पर या चेहरे पर, उस जगह को आपको सुबह शाम दो बार धोना है। उठने के बाद एक सोने से पहले सुबह शाम धोना है। दोस्तों इस साबुन को आप नहाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके पूरे दिन में पोल्यूशन की जो धूल त्वचा की कोशिकाओं में जम जाती है वह साफ हो जाएगी, और आप अपनी त्वचा में हल्का व रुई जैसा मुलायम व ताजगी महसूस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस साबुन को यूज़ कर लिया है और आपके हल्का मुल्का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया है, वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वैसे कभी कभार किसी को देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों घबराए नहीं, तुरंत इस साबुन को यूज़ करना बंद कर दे और तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करे। गाइज उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी स्नो वाइट साबुन की फुल इन्फॉर्मेशन, यानी फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।